नमस्कार मित्रों, मैं नंदन वाजपेयी, टेक फॉर नेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये एक फिर से जो है टेक संबंधित वीडियो है, टेक से रिलेटेड। आज ये जानकारी लेकर के आए, एक अपडेट आया यूट्यूब का, और उस अपडेट के थ्रू यूट्यूब ने ये बताया है कि कुछ चैनल जो है आने वाले समय में बंद कर दिए जाएंगे, ऐसे चैनल जिनसे मतलब यूट्यूब को कोई अर्निंग नहीं होगी। तो इसी विषय में मैं जो है कुछ यहाँ पर चर्चा करने आया हूँ। कुछ लोग अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई अपडेट आता है तो YouTube पर जो है कुछ क्रिएटर है वो धड़ाधड़ बोलना चालू कर देते हैं और एक ना एक वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, उस अपडेट को बताने की जानकारी देना चालू कर देते हैं। लेकिन अब वो लोग कुछ गलतियाँ कर जाते हैं कि उनमें मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ चैनल ऐसे हैं जिन जो मतलब जिनको मैं फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छी जानकारी भी देते हैं, अपडेट की पूरी जानकारी सही देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत बड़े टीचर बन गए हैं यूट्यूब के, वो अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ देते हैं और मतलब यूट्यूब से ज़्यादा जानकारी जो है वो पेल देते हैं उसमें। तो वह उनकी बात करने आया हूँ, नाम मैं किसी का लूँगा नहीं। और उनका कहना ये है इसी अपडेट के बारे में कि वो चैनल बंद किए जाएंगे जो जो है मैं एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं होंगे, यानी कि गाली गलौज इस्तेमाल कर रहे हैं और अश्लील दृश्य दिखा रहे हैं, अश्लीलता दिखा रहे हैं, ये वो दुनियादारी ऐसे कुछ बता रहे हैं वो। भाई ऐसा कहीं भी YouTube ने नहीं कहा है कि हम गाली देने वालों को बंद करेंगे, अश्लील वालों को बंद कर। YouTube ने सिर्फ इतना बोला है कि अगर मेरी इनकम नहीं होगी तो मैं आपकी इनकम जो है फिर बंद कर दूंगा। सीधी बात, आपकी इनकम मतलब आपका चैनल बंद कर दूंगा, और बंद कर दूंगा भी नहीं बोला YouTube ने, बोला है कि ऐसा कुछ जो है आने वाले समय में हो सकता है किया जाएगा, और ज़रूरी भी नहीं कि सभी का बंद ही हो जाएगा चैनल। जिस पर YouTube सोचेगा, जिसको समझेगा, उसको बंद करेगा। भाई देख, पूरी तरीके से वो भी वॉच करेगा कि कहाँ से जो है इस चैनल का कितना लेवल है, कितना नहीं है, कितने रेशियो, कितने उसके व्यू हैं, उस सब सारी चीज़ें देखेगा। भाई ऐसा थोड़ी किसी भी चैनल को उठा के जो है बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता है। अब वो कुछ सज्जन व्यक्ति हैं, उनका कहना ये है कि एडवर्टाइज़र फ्रेंडली अगर नहीं होगा तो बंद कर दिया जाएगा। भाई मेरे, मैं उसी को बात बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग वाली बात किया कर। यहाँ पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं भी हैं, है भी या नहीं भी है कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं और बहुत ही पॉपुलर चैनल है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर, ये तू भी जानता है भाई अच्छी तरह से। अब अगर इस तरह से चैनल पटक दिया जाएगा, बंद कर देगा YouTube, क्या उनके चैनलों को भी बंद कर देगा? अभी मैं बात करता हूँ, राउंड टू हेल भी चैनल है, ठीक है, वो क्या दिखाता है आप सभी जानते हो, किस किस तरीके की उसमें लैंग्वेज आती है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत से लोग देखते हो, कितना अपना भाई कैरी मिनाटी है, ठीक है, आप सभी लोग, शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसको नहीं जानता होगा, और किस तरीके के वीडियोज़ बनाता है बंदा, ठीक है, तो क्या उसका भी चैनल बंद कर दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब तुम कह रहे हो कि पीले डॉलर काले डॉलर वालों को बंद किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है भाई। YouTube पे पूरी बात सोच समझो क्या कहता है, और उसके बाद कोई एनालिसिस करके बोला करो जो भी बोलना है, ठीक है। उसने सिर्फ इतना बोला YouTube ने कि अगर मेरी इनकम नहीं होगी तो मैं आपकी इनकम ख़त्म कर दूंगा, मतलब आपके चैनल को बंद कर सकता हूँ, ठीक है, अगर आपके चैनल से मुझे 45% नहीं आ रहा है पूरा तो मैं बंद कर सकता हूँ। ऐसा एक संदेह वाली बात है, कोई ज़रूरी नहीं, लाजमी नहीं है भाई। तो मेरा कहने का मतलब आधार सिर्फ इतना है कि किसी भी बात को, कोई भी अपडेट अगर मेल कोई यूट्यूब का आता है या कहीं पर भी कोई किसी पेज पर अपडेट आता है तो उसको पूरा सा क्लियर थोड़ा वॉच किया करो, पढ़ा करो, देखा करो, समझा करो, ठीक है। उसके बाद हम तो टेक फॉर नेट बनाए थे, उसमें हमने कन्वर्ट किया अपने आप को, किसी और भी हंटेड वॉन्टेड सब डालने लगे, लेकिन अब थोड़ी जानकारियाँ जब इस तरीके की मेरे सामने आती है तो लगता है हम भी थोड़ा सा मुंह खोल लें फिर। तो भाई ये है जानकारी, तो भ्रम में मत रहना, आपका चैनल छोटा है या बड़ा उससे डजंट मैटर, आप मेहनत कर रहे हो मेहनत करो, ठीक है, और जो भी कुछ बना रहे हो यूट्यूब को अर्निंग से मतलब है वो। और दूसरी चीज़ बताऊँ आपको, एक चीज़ और, एडवर्टाइज़र भाई वो भी जो है आजकल थोड़ा दिमाग लगाता है, वो भी जो है एडवर्टाइज़ ऐसे तो देता नहीं है कुछ। अब लोग कहते हैं यार कि तुम गाली देते हो गंदे चीज़ का तो एडवर्टाइज़र भाग जाता है, कुछ ये सच्चाई है, भाग जाते हैं कुछ है। बहुत सी कंपनियां, बहुत से एडवर्टाइज़र्स होते हैं जो भाई नहीं पसंद करते ये सब चीज़ें, तो वो सीधा बोलते हैं कि भाई मैं अच्छे चैनलों को जो है वो करूँगा, एडवर्टाइज़ दूँगा। और बहुत से ऐसे भी एडवर्टाइज़र हैं जो जिनको इन चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उन पर वो लोग ऐड देते हैं, और ये आप लोग देखते भी हो। तो ऐसा नहीं है, दोनों तरीके के लोग हैं दुनिया में, हर तरीके का एडवर्टाइज़र भी है, कुछ लोग
कहीं पर पैसा लगाते हैं, कुछ लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये है अपडेट, और कोई बात नहीं है। तो आप लोग जो भी नए लोग गए या पुराने लोग गए, काम करते रहो भैया, अच्छे से अपनी मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी मेहनत से YouTube के पास 45% जा रहा है, तुम्हारे 100 रुपया में से अगर 45 रुपया YouTube को जा रहा है, तो यू आर सेफ, आप बिल्कुल मतलब सुरक्षित हैं, कहीं से आपका चैनल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। और 45 रुपया नहीं जाएगा तब एक संदेह वाली बात है, वो भी ये जरूरी नहीं कि बंदे कर दिया जाएगा। मेहनत करते रहो भाई, ऐसा नहीं कि 45 नहीं पहुंचा तो आपका चैनल बंद कर दिया उसने। किलो के हिसाब से आपके पास व्यू होंगे, किलो के हिसाब से सब्सक्राइबर होंगे, कुंटल के हिसाब से आपका चैनल देखा गया होगा, तो ऐसे नहीं बंद कर देगा कोई। ठीक है ना, हल्के में नहीं ली जाती हर चीज़, उठा के पटक दिया किसी को, कुछ भी बोले चले जा रहे यार, दिमाग ख़राब हो गया। तो भाई ये था अपडेट, और मैंने छोटी सी जानकारी दी है, और अगर मेरी जानकारी गलत तो मुझे भी उठा के पटक दो। ठीक है गाय, मेरा कहने मतलब कमेंट में पटको जितना पटकना है। सो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।